हम लोग ये वाली बात बचपन से सुनते आए हैं कि योयो हनी सिंह ने इल्यूमिनाटी ज्वाइन कर लिया है, जिसके वजह से उनको इतना ज्यादा मैसिव सक्सेस मिल गया कि बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना भी शुरू हो गया था। एंड चाहे योयो हनी सिंह के गाने बहुत अच्छे हो या फिर सिर्फ एवरेज, उनके गाने सिर्फ सुनने के लिए यूट्यूब जैसी ऐप को क्रैश कर देते थे उस टाइम के ऑडियंस। मतलब यूट्यूब उस टाइम पे इतना ज्यादा बड़ा नहीं था 2012 और 13 में, वो इतनी ज्यादा ट्रैफिक नहीं झेल पाता था। एंड ऑडियंस वहाँ पे जाके गाने सुनती रहती थी, डाउनलोड करती रहती थी। वो टाइम पे यूट्यूब जैसा ऐप क्रैश कर जाता था। इतनी ज़्यादा मैसिव सक्सेस मिलने के बाद 2015 में खबर आती है कि योयो हनी सिंह ने इल्यूमिनाटी को अभी छोड़ दिया है, जिसके वजह से अभी उनका बैड टाइम शुरू होने वाला है। एंड ठीक उसी के बाद वो बहुत ज़्यादा मोटे हो गए, उनकी हेल्थ ख़राब हो गई, उनका बैड टाइम शुरू हो गया बेसिकली। एंड देन धीरे धीरे वो इंडस्ट्री से गायब होने लग गए एंड बादशाह ने उनको ओवरटेक कर लिया एक्सेट्रा। लेकिन कभी कभी ये सारी बातें बहुत सच भी लगती है, क्योंकि जिस तरीके का फेम हनी पाजी के पास था 2012 से लेके 2015 तक, वो बहुत ज़्यादा अनरियल लगता है। क्योंकि उस समय उनका जो फेम था, जो उनको स्टारडम मिला उस समय, वो आज तक कभी किसी को म्यूजिक इंडस्ट्री में पहले नहीं मिला था और आज तक नहीं मिला है। तो क्या सीरियसली इल्यूमिनाटी ज्वाइन करने के बाद आपको बहुत ज़्यादा पैसा और आपको फेम मिलेगा? तो क्या सीरियसली इल्यूमिनाटी ये जो रिलीजन है, इसमें आपको एक शैतान की पूजा करनी पड़ती है? तो क्या सीरियसली इल्यूमिनाटी जैसी ये कम्युनिटी इस पूरे देश में राज कर रही है? ये सब सवालों का जवाब आज मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। आगे ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस और हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। कुछ समय पहले यूट्यूब पे एक पॉडकास्ट इंटरव्यू आया था योयो हनी सिंह का, जिसमें इंटरव्यूअर ने उनको पूछा था कि क्या आप किसी सेटेनिक चर्च में गए थे। एंड हनी सिंह ने विदाउट एनी हेजिटेशन ये कह दिया कि हाँ मैं गया था। एंड उन्होंने आगे की वो सारी बातें बताई कि कैसे एक इल्यूमिनाटी के एक फीमेल मेंबर ने उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रेस कर दिया उनके टेक्निक से, एंड देन उनको ट्रिक करके एक इल्यूमिनाटी के सेटेनिक चर्च में लेके चले गए एंड वहाँ पे जाके इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप ऑफर करी। फिर उसी इंटरव्यू में उन्होंने ये बात क्लियर भी कर दी थी कि मैंने इल्यूमिनाटी के ऑफर को डिक्लाइन कर दिया था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं उस सेटेनिक चर्च में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था उस एनर्जी की तरफ। मैं इल्यूमिनाटी कल्चर की तरफ बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गया था, बहुत ज़्यादा मैं रिसर्च करने लग गया था वो सब चीज़ों के बारे में, क्योंकि उन्होंने इनडायरेक्टली उनको बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और यूनिक चीज़ों का ऑफर भी दिया था। मे बी वो फेम और पैसा ही हो सकता है। बट क्या ये सारी बातें सच है जो भी अभी हनी सिंह ने कही है? ऐसे बहुत सारे सवाल है जिसके सवाल मैं आज ही दे देता हूँ, एंड स्पेशली ये सवाल का जवाब कि क्या रियली इल्यूमिनाटी बहुत ज़्यादा पैसा और फेम देती है। अब आते हैं पहले सवाल की तरफ कि ये सेटेनिक चर्च असल में होता क्या है, एंड इसका एड्रेस कहाँ रहता है, कि ये कौन से लोकेशन में आपको मिल सकता है। देखिए, डायरेक्टली मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि ये जो सेटेनिक चर्च होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अननोन प्लेसेस पे होते हैं। आपको पता नहीं चलेगा कि ये कब और किधर है। ये जो सेटेनिक चर्च के लोकेशन होते हैं, ये हमेशा किसी ना किसी अबैंडन जगह पे होते हैं, खंडर जगहों पे होते हैं। आपको पता नहीं चल पाएगा कि ये सेटेनिक चर्च है किधर। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि जो आप अभी एक नॉर्मल से होटल में बैठे हो, उसी के बेसमेंट में एक सेटेनिक चर्च ऑपरेट हो रहा हो। हो सकता है कि अभी आप जिस घर में रह रहे हो, बहुत सालों पहले वहाँ पे एक सेटेनिक चर्च हो। कभी किसी को पता नहीं चल पाता है। एक ओपन ग्राउंड में भी ये सारे रिचुअल्स करे जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई रास्ते से जाता रहता है एंड उसको अचानक से दिख जाता है कि ये खाली से मैदान के अंदर कुछ लोग शैतान जैसे कपड़े पहने हुए हैं एंड वो कोई रिचुअल कर रहे हैं किसी के अराउंड। बस कुछ लोगों को ये चीज़ें देखने को मिलती है। लेकिन कभी कभार ये जो लोग इसको अनकवर कर देते हैं, वो जिंदा नहीं बच पाते, या तो वो लोग गायब हो जाते हैं इंडस्ट्री से। अब आते हैं उस दूसरे सवाल की तरफ कि क्या इल्यूमिनाटी रियली इस पूरी दुनिया पे राज कर रही है। देखिए, अब इस सवाल का जवाब मैं एक थियोरेटिकल वे से देना चाहता हूँ, एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी के प्रोसेस से देना चाहता हूँ। कि हम लोग ये शुरुआत से योली बात अच्छे से जानते हैं कि हम इंसानों को अगर कोई कंट्रोल कर रहा है तो फिर वो है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट हमें शुरुआत से हैंडल कर रही है, हमें मैनेज कर रही है, हमें कंट्रोल कर रही है बेसिकली देखा जाए तो। लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि गवर्नमेंट को भी कोई ना कोई कंट्रोल कर रहा है? उन्हें फंड तो कर ही रहा है, ये हमें पता है कि गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो फंड करता है इतने ज़्यादा अमाउंट के लिए। गवर्नमेंट को कोई ना कोई तो कंट्रोल कर रहा है, गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई तो हो सकता है। लेकिन कभी कभार हमें इसके बारे में ज़्यादा कुछ पता चल नहीं पाता, मीडिया में इसकी बातें आ नहीं पाती। ऐसा लोगों का कहना है, ऐसे बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज का कहना है कि गवर्नमेंट को हैंडल और कोई नहीं कर रहा है, बल्कि बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के मालिक कर रहे हैं, जैसे कि जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इलॉन मस्क या फिर मुकेश अंबानी, जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा है गवर्नमेंट को फंड करने के लिए, उनको कंट्रोल करने के लिए, एंड वो अपने प्रॉफिट के हिसाब से गवर्नमेंट को मूव करती है, जस्ट लाइक अ पपेट। हो सकता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इन लोगों के ऊपर भी
इन सारे बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के मालिकों के ऊपर भी कोई ना कोई है जो कि इनको भी कंट्रोल कर रहा है। दिस इज वेयर द इल्लुमिनाटी एंटर्स। देखिए ये इल्लुमिनाटी होता क्या है, इल्लुमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी होती है जो कि अपना सारा काम पर्दे में करती है, अपना सारा काम छुपके करती है, हिडन तरीके से करती है। एंड इनका काम सिर्फ एक सिंपल सा है, कंट्रोल बनाए रखना, किसी पे भी कंट्रोल बनाए रखना, किसी एक पर्टिकुलर कंट्री पे, एक पर्टिकुलर प्राइम मिनिस्टर पे, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के मालिक पे कंट्रोल बनाए रखना। एंड ये लोग सालों से यही करते आ रहे हैं एंड शायद से आगे जाके भी ये लोग यही करेंगे। मैंने रिसेंटली एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात सुनी थी एक बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर पर्सन के तरफ से, जिसको ये सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज का बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर उसने एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात मुझे बताई थी जो मैं अभी आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इल्लुमिनाटी के मेंबर्स होते हैं या फिर कोई भी सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं, ये जो भी काम करते हैं ये सिर्फ और सिर्फ फन के लिए करते हैं, मजे के लिए करते हैं। क्योंकि ये जो मेंबर्स होते हैं, ये जो लोग हैं, इन लोग के पास पैसा है, इन लोग के पास पावर है, इन लोग के पास अपना नाम है, इन लोग के पास बड़े बड़े लोगों का कॉन्टैक्ट है, तो इनको क्या चाहिए? फन। इन लोग को मजा चाहिए। क्या जब सारी चीज़ें सेटिस्फैक्शन देना बंद कर दे तो लास्ट में सिर्फ एक ही चीज़ बच जाती है, फन। क्योंकि पैसा तो कमा लिया हमने, सब कुछ कर लिया दुनिया में, अब बस एक ही चीज़ बच गई है कि अभी हम हमारी जो मर्जी हो हम वो करेंगे, चाहे किसी की मौत क्यों नहीं हो रही हो। हेलो, पहले नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज़ आई थी स्क्विड गेम करके। स्क्विड गेम के लास्ट के एक दो एपिसोड्स में एक बहुत ही ज़्यादा अजीब सी चीज़ दिखाई गई थी, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़, जो कि किसी ने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया, लेकिन अभी मैं आपको वो बताना चाहता हूँ। शायद से आप खड़ी से खड़ी जोड़ लो इल्लुमिनाटी और एक चीज़ की। गाइस, उस एक एपिसोड में ये बताया गया था कि एक कमरे में कुछ लोग आते हैं एज अ गेस्ट बैठने के लिए, किसी का भी चेहरा आप देख नहीं सकते हो, सब लोग ने मास्क लगा के रखे है किसी जानवर का। एंड वो लोग उस कमरे में बैठ के शराब पी रहे रहते हैं और बैटिंग करते हैं एक गेम को देख के, जिसके अंदर इंसान वो गेम खेल रहे हैं एंड जो हार जाता है वो मर जाता है। एंड ये लोग वो गेम इस तरीके से देख रहे थे, इस तरीके से इंजॉय कर रहे थे, जैसे कि इनके लिए ये बहुत नॉर्मल सी बात है एंड इनको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है वो सबसे। यही चीज़ है जो कि इल्लुमिनाटी करते आई है शुरुआत से। उनके लिए, उनको किसी भी चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता है कि कोई भी इंसान मरे, कुछ भी हो जाए, वो लोग जो भी करेगी अपने फ़न के तरफ से करेगी, अपने फ़न के लिए करेगी। और यही चीज़ उस गेम में भी दिखाया गया था। अब ये बात सीधी सीधी एक कॉन्स्पिरेसी थियोरी टाइप की है, थियोरेटिकल है, लेकिन अगर आप इसकी कड़ी से कड़ी अगर आप जोड़ना चाहो तो आप हमारे दुनिया में होने वाले हादसों के साथ आप इसे जोड़ सकते हो। जैसे कि बहुत सारे वॉर्स होते हैं जो कि किसी को बता के नहीं होते, अचानक से हो जाते हैं। जैसे कि कोरोना वायरस था, कोरोना वायरस तो मुझे आज तक लगता है कि ये एक प्री प्लान्ड चीज़ थी, क्योंकि कोरोना वायरस जिस दिन हमारे देश में लॉकडाउन हुआ था, किसी भी देश में जब जब लॉकडाउन हुआ है पहली बार, उसके एक दिन पहले सारे मेडिकल शॉप्स में मास्क ऑलरेडी अवेलेबल थे, सैनिटाइजर्स ऑलरेडी अवेलेबल थे, वो भी बल्क में। जो थर्मामीटर होता है कोरोना वायरस का चेक करने वाला, वो भी अवेलेबल था, जिसमें आज तक कभी भी कोई भी डिफॉल्ट नहीं दिखा। ये सब कुछ ऐसा दिख रहा था कि ये चीज़ें ऑलरेडी बहुत पहले से प्लान थी, ये पूरा एक गेम के तरीके से ही देखा जा रहा है। इस समय अगर आप अपना दिमाग लगाना चाहो इस चीज़ पे, तो आप बहुत सारी इस चीज़ में कड़ी से कड़ी जोड़ सकते हो कि ये भी एक प्री प्लान चीज़ हो सकती है, जो कि शायद से किसी ना किसी सीक्रेट सोसाइटी ने ही करी होगी, हो सकता है। अब आते हैं उस तीसरे सवाल की तरफ, जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, कि क्या इल्लुमिनाटी बहुत ज़्यादा पैसा और फेम देती है उन लोगों को जो भी उनके मेंबर बनते हैं। इसका सीधा सीधा जवाब है हाँ भी और ना भी। लेकिन एक मिथ मैं आपका बहुत पहले क्लियर कर देना चाहता हूँ कि कोई भी इंसान ऐसे ही उठ के इल्लुमिनाटी को ज्वाइन नहीं कर सकता। अगर आपको इल्लुमिनाटी ज्वाइन करना है तो आपको पहले से ही बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए, आपका इन्फ्लुएंस लोगों पर बहुत ही ज़्यादा हार्श और बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, कि मतलब ये इंसान हमें जो भी बोले हम इसको मानने के लिए रेडी है। जैसे कि एक समय में माइकल जैक्सन का था, वो स्टेज पे आता था लोग उसके गाने सुनने के लिए पागल हो जाते थे। एक समय योयो हनी सिंह का था, 2012 से लेकर 2015 तक जब लोग उनके गाने सुनने के लिए यूट्यूब जैसी ऐप को क्रैश कर देते थे। ये सारी चीज़ों का मतलब सिंपल होता है कि आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा टाइट होना चाहिए इस दुनिया पे, तभी जाके इल्लुमिनाटी आपको एक मेंबरशिप ऑफर करेगी। एक बहुत ज़्यादा बड़ी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है इन फेम और पैसे को भी लेके, कि इल्लुमिनाटी किसी को भी पैसे देने के लिए कभी रेडी नहीं होती। इल्लुमिनाटी पैसा और फेम सिर्फ उसी को देती है जिसमें पोटेंशियल हो आगे जाके बढ़ने की या फिर लोगों को इन्फ्लुएंस करने की। इल्लुमिनाटी जो भी करती है वो अपने फ़ायदे के लिए करती है। इल्लुमिनाटी ने आज तक जब भी किसी को मेंबर को ज्वाइन कराया है वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, ना कि उनके फ़ायदे के लिए। लेकिन सीरियसली ऐसा कभी भी नहीं हुआ है कि कोई भी इंसान जो कि बहुत ज़्यादा गरीब हो या फिर कोई किसी को जानता नहीं है, वह ऐसे उठ के इल्लुमिनाटी के पास चला गया, मेंबरशिप ले लिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फेमस होना चाहिए इसके लिए। तो ये सिर्फ एक मिथ है कि इल्लुमिनाटी बहुत ज़्यादा पैसा और फेम देती है,
सिर्फ सिलेक्टिव लोगों को ये चीज़ें मिलती हैं। एंड शायद ये भी नहीं हो सकता है, शायद से इसमें भी बहुत ज़्यादा और कॉन्स्पिरेसी थियरी होगी जो कि मैं आगे के कुछ वीडियोज़ में डिस्कस करना पसंद करूँगा। सो अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि इल्यूमिनाटी जो भी करती है वो अपने फ़ायदे के लिए करती है, एंड क्या पता उसमें थोड़ा बहुत फ़ायदा आपका भी निकल जाए। लेकिन इल्यूमिनाटी के साथ आपको कभी भी दुश्मनी नहीं करनी है, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी उनके साथ दुश्मनी कभी कर ली तो एक बात बहुत सिंपल सी है कि ये जो इल्यूमिनाटी, ये जो सीक्रेट सोसाइटीज होते हैं, ये स्टिल एक कॉन्स्पिरेसी थियरी है। क्योंकि आज तक कभी भी किसी ने भी सामने से मीडिया में आके ये वाली बात नहीं बोली है कि मैं इल्यूमिनाटी या फिर किसी सीक्रेट सोसाइटी का एक मेंबर हूँ, क्योंकि ये एक सीक्रेट सोसाइटी है। ये नाम का मतलब ही है सीक्रेट, कि आपको ये सारी बातों को सीक्रेट रखना है, अपनी आइडेंटिटी आपको कभी किसी को नहीं बतानी है। तो ये सारी चीज़ें ना आपको बस गेस करनी पड़ती है कुछ साइंस के तरफ से, जो कि कुछ सेलिब्रिटीज़ करते हैं अपने लाइव कॉन्सर्ट्स में या फिर ऐसे चलते फिरते हैं। इस सारे कॉन्स्पिरेसी थियोरीज इल्यूमिनाटी के बारे में, ये सारी चीज़ें जो भी हनी सिंह के अराउंड हो रही थी इतने सालों से, ये सब के बारे में आप क्या सोचते हो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए। शुक्रिया।